Hello friends, welcome to your own channel that is Graphic Jock. So today I'm gonna tell you brush manipulations in photograph. जी हाँ, brush को हम किस तरह से photographs के साथ use कर सकते हैं. Very interesting, ठीक है? तो इस video को end तक ज़रूर देखिएगा. छोटी सी video है, ठीक है? And please do hit the thumbs up button as it helps us in YouTube algorithm. So Let's get started. So, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने already अपनी एक workspace ली हुई है, ठीक है ना? तो what we are going to do is फटाफट चलते हैं and अपनी एक नई layer लेते हैं. तो इस नई layer को मैं फिलहाल नाम दे रही हूँ paint one. आप अपना कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है? Paint one done. ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल से हम तीन शेड से कलर लेंगे. ठीक है, तो जैसे कि एक पिंक मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिया हुआ है, एक पिंक शेड ले लिया मैंने, ठीक है? एंड इसको ब्रश को सिंपल सा, जैसे हम होली के कलर्स नहीं स्प्लैश करते, वैसे हम इसमें कलर स्प्लैश कर रहे हैं. देखो, ये देखो, ऐसे जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है? रफ, वेरी रफ, ठीक है ना? एक ले लेते हैं ब्लू, और मैंने यहाँ पर लिया ब्लू, ठीक है? ये लिया ब्लू, और ये देख सकते हो आप, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे करके, ठीक है? और एक लेते हैं ऑरेंज, ठीक है? तो ये लिया मैंने ऑरेंज. Done? ये देखो, easy, ठीक है? और आप चाहो तो कोई और शेड अगर लेना चाहते हैं तो एक ग्रीन भी ऐड कर लेते हैं ना, हम एक और कलर ले लेते हैं यार, स्पेस है हमारे पास, बहुत स्पेस है यार. ठीक है, तो मैंने ये हल्का सा ऐड ऑन कर दिया, बहुत हल्का सा, ठीक है? तो दिस इज पेंट वन. वी आर गोइंग टू टेक नेक्स्ट लेयर. नेक्स्ट लेयर को मैं नाम देती हूँ पेंट टू. तो मैंने यहाँ पर नाम दिया पेंट टू. नाउ पेंट टू में अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल कोई भी दो कलर्स लेने हैं. मेरे जो दो कलर्स जो मैं ले रही हूँ यहाँ पर, वन इज ब्लू अगेन, तो मैंने यहाँ पर एक ब्लू लिया, ठीक है? एज यू कैन सी, राइट, पेंट टू वाले लेयर पर मैंने क्या ब्लू का जो है एक लेयर ली है, तो मैं एक सिंपल सा एक शेड बनाऊंगी. ये देखो, ऐसे करके आई एम यूजिंग इट लाइक दिस, ठीक है? और दूसरा कलर मैं ले रही हूँ ग्रीन का, हल्का सा जो शेड होता है ये वाला, ठीक है? ये देखो, राइट, एंड आई एम यूजिंग इट लाइक दिस. ठीक है, ये मैंने इस तरह से यूज किया. डन. नाउ आई एम गोइंग टू यूज लेयर थ्री. ठीक है, लेयर थ्री में हम क्या करने वाले हैं, लेयर थ्री में हम लेंगे अपना दोबारा से एक ब्रश. तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कि आप अपना खुद का ब्रश कैसे बना सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए अपना ब्रश बना रखा है. ठीक है, तो आई हैव ऑलरेडी टेकन अ ब्रश, यहाँ पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर जाती हूँ एंड लेट्स सर्च फॉर माई ब्रश. दिस इज माई ब्रश. ठीक है, ये एक सिंपल वॉलपेपर है, ग्रंच वॉलपेपर है जिसका मैंने ब्रश बना रखा है, और इसको मैं यहाँ पर लेती हूँ ब्लैक कलर में. ठीक है, मैंने यहाँ पर लिया सो ब्लैक कलर में, ये देखिए, डन लाइक दिस. ठीक है, और मैंने थोड़ी सी जो है इसकी ओपेसिटी हल्की सी जो है कम कर दी, बहुत ही कम, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कम की है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट आई एम गोना डू इज अगेन आई एम गोना टेक वन मोर लेयर. ठीक है, और अब उस लेयर में, जैसा कि आप सभी जानते हैं बटरफ्लाई फेवरेट्स हैं, ठीक है ना? तो मैंने क्या करा, यहाँ पर ब्रश लिया एंड आई गो विद माई ब्रश जो मैंने खुद बनाया है. ठीक है, और आप लोगों ने भी बनाया होगा प्रीवियस वीडियो देखकर. तो दिस इज अ बटरफ्लाई ब्रश, मैंने बटरफ्लाई ब्रश यहाँ पर लिया और इसमें मैंने कलर ले लिया है फिलहाल पिंक. ठीक है, ये लिया एंड आई एम यूजिंग दिस ब्रश. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ब्रश कुछ इस तरह से यूज किया, ये देखिए आप इसके साइड्स में. ठीक है, आप अपना भी कोई भी फेवरेट कलर या फेवरेट ब्रश यूज कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि मैं यूज करूँ तो आप भी सेम यूज करेंगे. ठीक है, नाउ लास्ट प्रोसेस में अब हम क्या करेंगे, वेरी इजी, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड रेडी हो चुका है यहाँ पर. अब हमें क्या करना है, एक प्रोसेस में क्या करना है. सो अब हम क्या करेंगे, आफ्टर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज बैकग्राउंड रेडी हमने कर लिया है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम अपनी कोई भी इमेज इंपोर्ट करेंगे. तो हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, कंट्रोल ओ. ठीक है, मैं यहाँ पर इमेज ग्राफिक्स में गई एंड यहाँ पर एक कोई भी इमेज आप ले सकते हो, मैंने ली ये वाली इमेज, तो वॉलपेपर आप टेकन, ठीक है, सिंपल आई हैव टेकन, राइट. तो सी, अब क्या किया, इसको इधर लिया, ठीक है, और इसको हम इधर इंपोर्ट करते हैं, डायरेक्ट इंपोर्ट कर लिया. ठीक है, इसको यहाँ से बंद किया, डन, ये हमने लिया यहाँ से, ये देखिए आप, ठीक है, ये लिया और ये देखिए, डन विद दिस. ठीक है, एंटर से बाहर निकलते हैं. अब आपको क्या करना है, हम पहले इमेज को मिक्स करते हैं. तो आपको ऑलरेडी बताया था ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ब्लेंडिंग ऑप्शंस जो होते हैं इफेक्ट्स देने के लिए होते हैं, आप हमेशा नए लेयर पर उसको अप्लाई करते हो. तो ऊपर यहाँ पर जाते हो ऑप्शंस में, ये देख रहे हैं आप नॉर्मल
ये आपके ब्लेंडिंग ऑप्शन है, ठीक है, आप यहाँ जाएँ और इसमें हम कोई एक अच्छा सा जो ऑप्शन है ले लेते हैं। तो मैंने इसमें यहाँ पर लिया है, लेट्स गो विद आई गेस हार्ड लाइट, ठीक है, हार्ड लाइट लिया, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, जो हमारा पेंट टू वाला जो लेयर था, ठीक है, दैट व्हिच इज पेंट टू, ठीक है ना, उस लेयर पे हम जाते हैं। इस लेयर को मैंने बटन नहीं दिया, तो मैंने इसको नाम दे देते हैं, जिन्होंने इसको नाम नहीं दिया है सॉरी फॉर दैट, आप नाम दे सकते हो, ठीक है, नाम देते हुए चलना, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, ये दिया मैंने, डन। तो पेंट टू पर जाते हैं और पेंट टू को भी हम ब्लेंड करते हैं, ठीक है। तो पेंट टू को हम कैसे ब्लेंड करेंगे, हम पेंट टू को ब्लेंड करते हैं, लेट्स गो विद द ब्लेंडिंग ऑप्शन, देखते हैं कौन सा से बेस्ट सूट करता है, ठीक है। तो वी कैन गो विद, कैन वी गो विद ओवरले, ठीक है, तो चलिए ओवरले पर ही चले जाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, ओवरले, डन, ठीक है, ओवरले आ गया। आपके पास ऑलरेडी बटरफ्लाई इफेक्ट है, ये देखिए, तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर जो है इमेज मर्ज हो चुकी है, काफ़ी हद तक कलर कॉम्बिनेशन जो है, यू कैन सी मर्ज, द फोटोग्राफ हैज बीन मर्ज, ठीक है, ये आ गया। अब क्या है, ये जरूर, अब ये जरूरी नहीं है हमने जो कलर लिया है आपको वही कलर एग्जैक्ट जो है रखना है। आप पेंट में जाकर अगर कलर यूज करेंगे ना, चेंज करेंगे, जैसे मुझे यहाँ पर ब्लू का थोड़ा सा टिंट देना है, शेड देना है, तो मैं ब्लू करके यूज कर सकती हूँ। तो आप देखिए, मैंने सिंपल ब्रश लिया, I'll go with my simple brush, ठीक है, और ये मैंने छोटा किया यहाँ ब्रश, तो आप देखो ये, ठीक है, और नहीं तो आप इस पर जाकर ये देखिए, आप you can use like this, ठीक है, आप इसमें effects कर भी सकते हैं, ठीक है, change अगर थोड़ा सा और लाना चाहते हो, कोई और color add करना चाहते हो, आप add कर सकते हो। So easy is what, it was very easy, ये देखो, नहीं रिक्वायर्ड है तो आप इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है, वेरी 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 सिंपल, ठीक है। आप चाहे तो अपनी बटरफ्लाइज को भी मर्ज कर सकते हैं, इफ यू वॉन्ट टू मर्ज योर बटरफ्लाइज, ठीक है। अब जो जैसे कि आप इमेज देख रहे हैं एंड आप देख रहे हैं ये ग्रंच है, ठीक है, मैंने यहाँ यूज करी थी, मैं 73, इसको थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, आप बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है, इसकी ओपेसिटी जो फिल कलर है मैंने कम किया था और मैंने थोड़ा सा फिल कलर बढ़ा दिया है। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, मैंने जो है ये जो इमेज है वो सिलेक्ट कर ली है, इमेज को थोड़ा सा हाईलाइट करना है, जो फोटोग्राफ है उसको हाईलाइट करना है, तो उस फोटोग्राफ को बेसिकली हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने टूल वाले बार में, ठीक है, और टूल ऑप्शन में जाते हैं डॉज, ठीक है, डॉज लेंगे एंड डॉज से बहुत ही सॉफ्टली, ठीक है, एक्सपोजर आप इसका ज़्यादा नहीं तो 3 कर लीजिए, ठीक है, एंड मैं थोड़ा सा इसमें ये देख सकते हैं आप इमेज की लेयर को सिलेक्ट करते हुए हल्का सा मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, सी, ठीक है, ये देखो आप, ठीक है, आप चाहे तो पूरी इमेज भी हाईलाइट कर सकते हो, ये देखो, सी, दिस इज व्हाट यू कैन डू, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, और आप चाहें तो इसको अगेन, इसको थोड़ा कम करना, आप कम भी कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द फोटोग्राफ इज, ठीक है, राइट नाउ आफ्टर यूजिंग ब्रशेस, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये सब था, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो समझ भी आया होगा, मैंने बहुत ही सिंपल वे में कोशिश की है कि आपको ये चीज़ समझ आए, ठीक है। आप इसको अपनी तरह से मैनिपुलेशंस जो हैं अब आपको मैंने बता दिया है, तो अपनी तरह से भी आप कर सकते हैं, राइट। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड यस स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर वीडियोस एंड मोर इन्फॉर्मेशन। नमस्ते।